आज का वीडियो बेस्ड है एरिक राइस के बुक द लीन स्टार्टअप पर, जिसमें एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के मेथड्स बताए गए। तो अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेनरी फोर्ड अमेरिका के सबसे कामयाब लोगों में से एक थे। उन्होंने गाड़ियों को इतना सस्ता बनाया कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे खरीद सके। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला दिया था। अगर हम उनके शब्दों में कहें तो, अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कहा होता, मुझे तेज घोड़े लाकर दो। किसी ने नहीं कहा होता कि मुझे गाड़ियां चाहिए। दूसरे शब्दों में, कस्टमर्स को नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए और किस तरह के प्रोडक्ट से उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है। जब फेसबुक नहीं था तब फेसबुक की जरूरत किसी को नहीं थी। जब एरोप्लेन नहीं था तो उसकी जरूरत किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन बना रहे थे तो लोग उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन आज जब वो बन गए हैं तो उनके बिना दुनिया को इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने मार्केट में जाकर सर्वे किया होता और लोगों से पूछा होता कि क्या आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आप उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो लोग क्या कहते? कस्टमर्स को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो लोगों की जरूरतों को पहचान कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे? जब कस्टमर को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए तो आपको ये कैसे पता होगा? ये सवाल यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया आइडियाज से भरी पड़ी है और हर दिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, नए बिजनेसेस रोज लॉन्च हो रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपके पास एक गजब का आइडिया है और आपको लगता है कि ये दुनिया बदल कर रख देगा। आप टीम बनाते हो, इन्वेस्टर्स को राजी करते हो, 2 साल तक लगातार मेहनत करके प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, और जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसे कोई नहीं खरीदता। कुछ ऐसा ही हुआ एरिक राइस के साथ जब वो IMUV पर काम कर रहे थे। IMUV एक सोशल नेटवर्क है जहां पर आप अपने अवतार्स बना सकते हो, नई चीजें बना सकते हो और उन्हें एक वर्चुअल मार्केट में ले जाकर बेच भी सकते हो। दूसरे शब्दों में, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर हमारी दुनिया की तरह ही एक मार्केट है, अवतार्स हैं और आप वहां पर लोगों से मिल सकते हो। हॉलीवुड मूवी Ready Player 1 में इस आइडिया को बहुत एडवांस और डिटेल में बताया गया है। एरिक राइस IMUV की कहानी के जरिए हमें लीन स्टार्टअप मेथड के बारे में बताते हैं। हमारी प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ एक है, क्या हो अगर हम अपने आइडिया पर 2 साल तक काम करते रहें और जब वो मार्केट में जाए तो लोग उसे ना खरीदें। इस प्रॉब्लम के बारे में एरिक राइस अपनी बुक द लीन स्टार्टअप में बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि MVP बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स डालकर उसे परफेक्टली डिजाइन करके लॉन्च करने की बजाय बहुत ही लिमिटेड और जरूरी फीचर देकर उसे लॉन्च करो और ये देखो कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर हम IMUV का एग्जांपल लें तो राइटर ने उसे लॉन्च करते वक्त सिर्फ अवतार बनाने का फीचर और चैट करने का फीचर दिया था। वो अवतार चल भी नहीं सकता था और एक जगह पर रुका रहता था। उस वेबसाइट में बहुत सारे बग्स थे और बहुत ही कम फीचर्स थे। उन्होंने उस पर ज्यादा काम करने के बजाय उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही देकर उसे लॉन्च कर दिया। यही नहीं, वो अपने बकवास से प्रोडक्ट को बेचकर लोगों से पैसे भी ले रहे थे। इसके बाद वो मार्केट के रिस्पांस को ट्रैक करने लगे। अब लोग खुद उनकी वेबसाइट यूज कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि उनका प्रोडक्ट कितना खराब है और उसे कैसे मॉडिफाई करना चाहिए। वो कस्टमर्स का इंटरव्यू लेने लगे और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखने लगे कि उनके आइडिया का कितना परसेंट पार्ट मार्केट में कामयाब होता है। इसके बाद वो उसे थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करने लगे। वो एक नया फीचर ऐड करते थे और ये देखते थे कि कस्टमर्स पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने बिल्ड मेजर लर्न नाम का एक फीडबैक लूप बनाया। सबसे पहले वो एक नए फीचर को बिल्ड करते और अपनी वेबसाइट को उसके हिसाब से अपडेट करते थे। उसके बाद वो ये मेजर करते थे कि उनके इस अपडेट से उन्हें कितना प्रोग्रेस मिला है, उनके वेबसाइट यूजर्स ने उसे कितना शेयर किया है और कितने परसेंट से उनकी वेबसाइट का यूज बढ़ा है। इसके बाद वो उससे सीखते थे। इससे उन्हें कस्टमर बिहेवियर के बारे में बहुत सी बातें पता लगी। उन्होंने बिल्ड मेजर लर्न के जरिए बहुत से फीचर्स लॉन्च किए। वो कभी कभी एक दिन में अपनी वेबसाइट को 20 बार अपडेट कर देते थे और हर बार ये मेजर करते थे कि उस नए फीचर से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। इसमें आपके अपने कुछ हिपोथेसिस होते हैं जिसे आप कंफर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए हम आईपॉड कर लेते हैं, जो कि जैसे ही लॉन्च हुआ था वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में गिना जाने लगा। आईपॉड के हिपोथेसिस थे, लोग पब्लिक प्लेसेस पर एयरफोन लगाकर गाने सुनना पसंद करेंगे और लोग गाने सुनने के लिए पैसे देंगे। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन बातों को कंफर्म करना बहुत जरूरी था। क्या हो अगर लोग पब्लिक प्लेस में गाना सुनना पसंद ना करें? क्या हो अगर वो पसंद तो करें लेकिन उसके लिए पैसे ना दें? दोनों ही केसेस में फेल होने के चांसेस हैं। हालांकि स्टीव जॉब्स के लिए ये काम आसान था। उनका पहला हाइपोथेसिस सोनी के वॉकमैन ने पहले ही कंफर्म कर दिया था। लोग आईपॉड से पहले वॉकमैन यूज करते थे, जिससे स्टीव जॉब्स को यह पता लग गया था कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर गाना सुनना पसंद है। और उनका दूसरा हाइपोथेसिस नैपस्टर ने कंफर्म कर दिया। इस तरह से उन्हें आईपॉड रिलीज करने से पहले पता था कि लोग इसे यूज करेंगे। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हो तो आपको भी कुछ अजम्पशंस लगाने होंगे और फिर उन्हें एक एक करके कंफर्म करना होगा। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो बिल्कुल यूनिक है तो आपके लिए यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाइपोथेसिस अब तक कंफर्म नहीं हुए हैं। आपको अब तक नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे या नहीं, अगर यूज करेंगे भी तो उसके लिए पैसे देंगे या नहीं। लीन स्टार्टअप को हम और भी बेसिक लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में 1980s के वक्त कुछ लोगों ने सोचा कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे लोग कंप्यूटर के जरिए अपना टैक्स फाइल कर सकें। यहाँ पर उनके दो हाइपोथेसिस थे।
पहला ये कि लोगों को टैक्स का पेपर वर्क और ऑफिस में जाकर टैक्स फाइल करना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, लोग कंप्यूटर से अपना टैक्स फाइल करना चाहेंगे और अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करना चाहेंगे। इस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले इसके फाउंडर ने अपने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को फोन करके उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अगर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आए जो उनसे उनकी कुछ पर्सनल बैंक डिटेल्स ले और बदले में कंप्यूटर के जरिए टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को सिंपल बना दे, तो क्या वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करना पसंद करेंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट को अब तक बनाना भी शुरू नहीं किया गया था। इंटरव्यूज के मदद से इसके फाउंडर को जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे उन्हें पता लगा कि लोगों को टैक्स फाइल करने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस तरह के सॉफ्टवेयर को जरूर यूज करना चाहेंगे। तो इस तरह से उनके दोनों हिपोथेसिस कंफर्म हुए, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया और वो कामयाब भी हुआ। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में लॉन्च मत करो, क्योंकि अगर उसे किसी ने यूज नहीं किया तो आप पूरी तरह से डूब जाओगे। सबसे पहले उसका एक बहुत ही बेसिक मॉडल रेडी करके मार्केट में लॉन्च करो और ये देखो कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फीडबैक दे रहे हैं। इस किताब में एक स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं, जिसे एक वीडियो में समराइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड होनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। इट्स इन इंग्लिश। अगर आप बिजनेस रिलेटेड बुक समरीज पढ़ना और सुनना चाहते हो तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको बहुत डिटेल में बुक समरीज मिलेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।